भारतीय क्रिकेट टीम के युवा टेस्ट ओपनर पृथ्वी शॉ ने बैन के बाद शानदार वापसी की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से खेलते हुए बुधवार को पृथ्वी ने तूफानी अर्धशतक लगाया। 27 गेंदों में 53 रनों की पारी खेलने वाले इस बल्लेबाज ने टीम इंडिया में वापसी की दावेदार मजबूत कर ली है। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद बीसीसीआई ने पृथ्वी पर जुलाई में 8 महीने का प्रतिबंध लगाया था। बीसीसीआई की टी20 लीग में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बुधवार को पंजाब के खिलाफ पृथ्वी ने 4 चौके और 4 छक्के लगाकर 53 रनों की आतिशी पारी खेली थी। पृथ्वी की वापसी के बाद ये तीसरी हाफ सेंचुरी थी। पृथ्वी ने 8 महीने के बैन के बाद शानदार वापसी करते हुए मुंबई के खिलाफ खेलते हुए पिछले 3 मुकाबलों में 3 अर्धशतक बनाए हैं। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 16 मार्च 2019 से 15 नवंबर 2019 तक पृथ्वी ने क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगाया था। 17 नवंबर को वापसी करते हुए उन्होंने 39 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली। इसके बाद झारखंड के खिलाफ 39 गेंदों में 64 रन ठोक दिए। पृथ्वी ने अब तक खेले गए कुल 5 मैचों में 3 अर्धशतक लगाए, जबकि 2 मैचों में 30-30 रन बनाए। अब तक इस ओपनर बल्लेबाज ने 5 मुकाबलों में करीब 49 की औसत से 240 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 170 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। पृथ्वी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच डेब्यू किया था। पहले मुकाबले में पृथ्वी ने धमाकेदार शतक बनाते हुए इतिहास रचा था। राजकोट टेस्ट में उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए 154 गेंदों में 134 रनों की धमाकेदार पारी खेल दी थी। ANP न्यूज रूम से वीरेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।